के बैजनाथपुर गांव के रेलवे क्रॉसिंग के पास लोकल ट्रेन की चपेट में आने से मोटर साइकिल सवार की पत्नी और नतनी की एक साथ कटकर मौत हो गई। मृतक संतोष कुमार झा कमलपुर के बाराहट के निवासी अपने पुत्र कर्ण झा से मिलने बांका कारामंडल जा रहे थे। स्थानीय राजद नेता जमीरुद्दीन ने मृतक के परिजनों के लिए रेलवे से मुआवजे और फाटक विहीन रेलवे क्रॉसिंग पर तत्काल फाटक लगाने की मांग की है। वहाँ तक आज तक क्रॉसिंग का व्यवस्था किया नहीं गया, तो सफार लगाया नहीं गया, इसकी आए दिन रोज घटना घटती है और आज ऐसा घटना घटी कि तीन आदमी की हत्या है। परिवार तीन लोगों की घटना। तो क्या मांग करेंगे केंद्र सरकार से या रेलवे से? रेलवे इसको मुआवजा दे और क्या वैकल्पिक व्यवस्था क्या होना चाहिए आगे के लिए कि ऐसा घटना ना हो, का व्यवस्था हो। इस बुलेटिन का सीधा